श्रीलंका ने किया बड़ा उलटफेर। खेल जगत से जुड़ी और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें खेल चक्कर। गोवा में 37वें नेशनल गेम्स की शुरुआत हो गई। इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने रथ पर सवार होकर स्टेडियम में मौजूद लोगों का अभिवादन किया। गोवा पहली बार नेशनल गेम्स की मेजबानी कर रहा है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने लखनऊ में अभ्यास किया। यहां वर्ल्ड कप में भारतीय टीम रविवार को इंग्लैंड के साथ मुकाबला खेलेगी। इस टूर्नामेंट में भारत अब तक अपने सभी 5 मैच जीत चुका है। वर्ल्ड कप में एक और बड़ा उलटफेर हुआ। अब श्रीलंका ने भी इंग्लैंड को 8 विकेट से हरा दिया। मुकाबले में इंग्लैंड की पूरी टीम महज 156 रनों पर ही ढेर हो गई, जिसके बाद श्रीलंका ने 26वें ओवर में ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया। खबर है कि वीवीएस लक्ष्मण टीम इंडिया के अगले मुख्य कोच हो सकते हैं। अभी वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी बेंगलुरु के प्रमुख हैं। वर्ल्ड कप के बाद राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के बीड बिलिंग में पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप की शुरुआत हो गई। इसमें 28 देशों के 180 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। ये टूर्नामेंट 2 नवंबर तक चलेगा। चीन में चल रहे एशियन पैरा गेम्स में भारत ने इतिहास रच दिया। भारतीय पैरा एथलीटों ने पदकों की संख्या 82 तक पहुंचा दी, जिसमें 18 गोल्ड शामिल हैं। इससे पहले भारत ने साल 2018 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, जब उसने इंडोनेशिया में कुल 72 पदक अपनी झोली में डाले थे। वहीं भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुशी जताई और उनकी तारीफ की।